हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डुगुमम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। जय माता जी। और ये हो रहा है, ये 2-3 दिन की वीडियो, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं तब जाके ये 3 दिन से वीडियो मेरी रेडी हुई है। और ये सुबह का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने पहले तो उस बच्चों को रवा बना दिया है सुबह के लिए, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन था। तो पहले सबसे पहला काम है मेरा कि बच्चों का मैं टिफ़िन रेडी करूँ, उसके बाद में जो मेरा काम है वो मैं करूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रवा निकाल लिया है, तो रवा इसलिए निकाला है, इसमें जैसे पंजीरी टाइप में होता है शक्कर डाल के, वो इसे सिंपल सा ऐसे खाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्राई करके साइड में निकाल लिया। उसके बाद में यहाँ मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और अभी इसमें शक्कर ऐड करूँगी, थोड़ा सा उससे शक्कर और रवा को भूनूंगी, उसके बाद में जो गर्म पानी है वो इसमें ऐड करूँगी। ऐसे तो मैंने बहुत बार आप लोग को दिखाया भी है वीडियो में भी, और शॉर्ट में भी मैंने रवा का रेसिपी शेयर किया है, पर फिर भी मैंने आज यहाँ पर ब्लॉग में भी आप लोग के साथ में शेयर कर दिया। तो यहाँ मैं दूध बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, मतलब यूज़ ही नहीं करती हूँ, कभी कभार जैसे मन हुआ तो बनाती हूँ, नहीं तो मैं मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहाँ गैस। और ये इतना ही होते होते गैस ख़त्म हो गया सुबह सुबह, यहाँ पर काम की है, यहाँ बच्चों का स्कूल की तैयारी करना है, और यहाँ सुबह सुबह मेरा गैस ख़त्म हो गया, तो इसलिए और थोड़ा मतलब दिमाग ख़राब हो गया कि अभी जल्दी जल्दी। और क्योंकि कैसे मुझे 6:15-6 बजे बच्चों को स्कूल उनकी वैन आ जाती है, तो मुझे उस बीच में ही गैस ख़त्म। तो यहाँ सबसे पहले मैं सिलेंडर चेंज करूँगी, और फिर उसके बाद में मुझे रवा बनाना है, तो रवा थोड़ा 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद में मेरा रवा बन के रेडी हो जाएगा। तो पहला काम सिलेंडर चेंज करना, फिर मिलती हूँ आप लोगों को आगे। पर बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैं थोड़ा सा भगवान का भजन लगा दी थी और पूजा वूजा की, उतने में इतनी तेज़ बारिश आई है कि मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पर फिर मैं बालकनी में आ गई, तो सब बारिश देखने लग गई। क्या मई जून की बारिश हो रही है ना, तो भी ये सब बारिश वारिश देखने के बाद में फिर यहाँ पर मैं अंदर तुरंत, फिर मैंने वीडियो कैसे उस वक्त ही लाइट भी चली गई थी, और उस दिन रात को भी लाइट नहीं थी, तो ये वीडियो मैंने वहाँ तक ख़त्म, खुशी से मेरी कुछ बातें हो रही थी, तो जो मैंने उसके लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड किया था ब्लॉग के, तो यही साड़ी मतलब मुझे पहनना था, बहुत कुछ हमारा उसमें प्लान था, तो पर सब प्लान कैंसिल हो गया, तो इस वजह से ना कोई मैंने नहीं वीडियो बनाई थी, तो कुछ रीज़न था, इस रीज़न से कुछ हो गया था, तो मैंने कैंसिल कर दिया था वो सब वीडियो, मुझे बहुत कुछ करना था पर नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में शाम से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, यहाँ मैंने जो धनिया रखा था वो आपको दिखाया सूख गया, जो कि मैंने पानी में डब्बे भर के वैसे किया था, बट नहीं, यहाँ पर डुगू की मस्ती चल रही थी। और मैं यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे घर पर दिन भर टीवी चलती है, और टीवी की आवाज़ की वजह से अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी मुझे वॉइस ओवर करना ही होता है, टीवी का अगर वॉइस इसमें आता है तो फिर मुझे कॉपीराइट आ सकता है, इस वजह से मुझे खुद पूरी वॉइस ओवर इसमें मुझे करना पड़ रहा है। और यहाँ पर सुबह की जो दाल थी वो मैंने गर्म कर दी है, फिर यहाँ पर रोटी वोटी ये वो जो सर थे सबने खाए, चाय वाय जो भी था, मतलब शाम का मैंने अरेंज काम वाम करने के बाद में फिर मैंने ये यहाँ पर मेरा स्टॉप हो गया था। उसके बाद में सेकेंड डे की वीडियो, और ये सेकेंड डे की वीडियो जहाँ पर नवरात्रि स्टार्ट हुआ था, तो नवरात्रि में मैंने थोड़े बहुत जिससे मुझसे हुए अरेंज हो गया, किसे होता है साफ़ सफाई करना होता है, तो साफ़ सफाई होने के बाद में उसके बाद मतलब जितना हो सका मैंने वीडियो में मतलब काम में तो पूरा नहीं दिखा पाई हूँ कि साफ़ सफाई भी मैंने किया था, वो भी मैंने नहीं दिखाया है, और मतलब बहुत कुछ था जो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। तो उसके बाद में जो सेकेंड डे मैंने यहाँ पर पहले तो साबूदाने का वड़ा, बच्चे तो इतने खुश होते हैं कि बस बनाइए साबूदाना, तो कंटिन्यू मैंने 2 दिन ये मतलब साबूदाने का वड़ा बनाया है, फर्स्ट डे भी सेकेंड डे भी, कि 3 से 4 दिन मतलब नवरात्रि, हाँ 3-4 दिन का भी मिला करके मैंने एक ही वीडियो रेडी किया है। फिर यहाँ पर फिर से वही साबूदाने का वड़ा, यहाँ पर पहले भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद में फिर सबको दूंगी, तो कंटिन्यू साबूदाने का वड़ा है। तो मैं यहाँ पर थोड़े से म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप लोग इंजॉय कीजिए,
और हाँ, यहाँ पर मैंने साबुदाने का वड़ा भी बनाया है, और यहाँ पर मैं देखिए चोखा बनाया है, आलू के जो चोखा होता है, आलू, टमाटर, कांदा, राई का तेल, लहसुन, धनिया, मतलब ये सिंपल सा एक चोखा बना दिया और रोटी बना दिया, उसी में साबुदाने का वड़ा, मतलब सब खुशी से खुशी खाएंगे। और इसके बाद में फिर ये थर्ड डे का वीडियो, तो थर्ड डे भी यही बना है, साबुदाने का वड़ा, तो मतलब बस यही सब है। और उसके बाद में फोर्थ डे का भी आगे आपको मिलेगा, मैं आगे वॉइस ओवर करती हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी म्यूजिक लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर डुग्गू और चिराग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर इनका काम चल रहा है, मैं किचन में चलूँगी, मैंने चाय भी बनाई है, और चाय के साथ में फिर अभी मैंने अपने लगे हाथ खीर भी बना दी है। तो पूरी वीडियो तो मैंने, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट में डाला है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो मेरी सारी वीडियो। तो यहाँ पर मेरी खीर बन के तैयार है, और यहाँ पर मैं चाय, और ये देखिए चाय मेरे से किस तरह से गिर गई, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में चाय, तो बस इस तरह से मेरे काम होते रहते। और मैंने आज साबुदाना खिचड़ी बनाई थी साबुदाने की, और आलू टमाटर की मैंने ऐसे सिंपल सा एक सालन जैसा होता वो बनाया था उपास के लिए। सब मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ उसमें, सादा नमक हमारे में नहीं खाया जाता है, तो मतलब प्रॉपर जैसे जो उपास का फलाहार होता है वो मैंने सब कुछ बना लिया है। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, या फिर पसंद आए या ना आए, जो भी जैसे भी आप लोग बोलो, क्योंकि मैं यहाँ पर चिराग को भूख लगी तो वो दाल चावल खा रहा है, तो उसके तब तक मैं फलाहार भी सब रेडी कर लूँगी। इसके बाद सबके लिए मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि हाल में मेरे लिए, सबके लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय थोड़ी सी पी लेती हूँ, और यहाँ पर खुशी इमली खा रही है, तो मैं सारे फलाहार बना के मेरे रेडी हो चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर जरूर करें। जय माता जी। यहाँ पर डुगो मुझे वॉइस ओवर करने नहीं दे रहा है, मैं से देखो जरा।